नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज से। मेरे पास जो व्यक्ति बैठे हैं इनको आजकल सोशल मीडिया पर कौन नहीं जानता, ये है गुणेशा राम जी, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद आखिर में लेक्चरर का पद हासिल कर दिया। आज हम गुणेशा राम जी के साथ लाइव हैं और लाइव वापस एक बार पुनः आने का जो कारण है वो ये है कि जब से मैंने इनका आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, इनकी जो संघर्ष भरी कहानी थी वो मैंने लोगों को बताने की कोशिश की और उसके बाद से लाखों लोग इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं और लगातार इन लोगों की डिमांड है कि एक बार पुनः आप उनके साथ जुड़े और उनको हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल पूछें। कुछ अहम सवाल है जो मुख्य मुख्य लोगों ने मुझे बताए हैं, वो मैं इनसे बात पूछूंगा। उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा, पूछूंगा कि अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, अगर सर से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि ये खारा गांव के हैं, गणेशा राम जी नाम है इनका, और 2009 में 9वीं कक्षा पास करने के बाद ये बाड़मेर आए थे और उसके बाद से लगातार बाड़मेर में संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ही विकट परिस्थितियों में इन्होंने संघर्ष जारी रखा, कभी हिम्मत नहीं हारी। 11 बार सरकारी नौकरियों में असफल रहे, 11 बार तक इन्होंने अटेम्प्ट किया और 11 बार अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थितियां थी कि ये बताते हैं कि हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं था, इसके बावजूद इनके परिजनों ने इनका सपोर्ट किया, इनके परिवार वालों ने इनका पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद इन्होंने मेहनत जारी रखी और आखिर में ये पूरे राजस्थान में 98 नंबर पर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बने। गणेशा राम जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लगातार आपके पास भी लोगों के फोन आ रहे होंगे, आपको पता है कि पिछले 4-5 दिन से क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना अच्छा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जब कोई एग्जाम देते हैं तो लोग डिमोटिवेशन कर देते हैं कि पेपर चोरी हो गया, वो हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, भीड़ वाले कई बैठे हैं, लेकिन हमने जब असफलता देखी और उसके बाद में हमने एक तरह से ये लक्ष्य बना दिया कि हम भी सफल हो सकते हैं। तो जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे तो आरपीसी का कभी मैंने तो मुख्यालय भी नहीं देखा और मेरा ऑल राजस्थान मठौर स्थान आ गया, इसलिए मतलब मैंने आरपीसी का कभी मुख्यालय भी नहीं देखा। पेपर बनाने वाले शिक्षकों को भी नहीं जानता, मेरा 18वां स्थान लग सकता है, तो मैं तो ये देखता हूँ हर व्यक्ति पढ़ने वाले का प्रथम स्थान लग सकता है। अच्छा, देखिए, एक बार मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, इसलिए आप जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। गणेशा राम जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपका वीडियो जो अपलोड हुआ है उसके बाद से कुछ लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लोग यही कह रहे हैं कि गणेश जी आप गरीब है तो हम भी गरीब है। मैंने उनको यही उत्तर दिया कि गरीब हमारा जन्म हुआ है, ये तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम गरीब मरेंगे नहीं। अब मैं भी गरीबी से, मेरा वीडियो लोगों ने देखा होगा, कईयों की यही प्रतिक्रिया है रही है कि भाई उन्होंने ऐसे बनाया, लेकिन मेरी वास्तविक परिस्थिति है और कईयों ने जिसने देखा है तो वो लेक्चर पद अगर ऐसा काम करके प्राप्त कर सकते तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और कईयों ने ये भी कहा कि अब रीट आ रही है सर, हम शादी करें या रीट की तैयारी करें। मैंने कहा भाई तैयारी पहले है और मेरे तो अभी 32 साल का हो गया, शादी नहीं हुई तो आपके क्या लेट हो सकता है। मैं एक पहला सवाल आया है कि मैं 12वीं पास कर चुका हूं और 12वीं में मैंने मैथ्स लिए, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? आपने का एक सवाल आया है, आपने अगर मैथ ली है तो अब उस मैथ के लिए आपका पूरा सपोर्ट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से तैयारी करो ताकि आगे कोई लेक्चर की भर्ती आए तब तक आपको मैथ ही रखना है, बीच में कोई विषय चेंज नहीं करना। अच्छा, अब आप वापिस सवाल करते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर पूरे राजस्थान में 18वीं रैंक पर आए और आपने ये भी बताया कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की, तो वो कौन सी किताबें थी, वो आपकी बुक्स कौन सी थी जो ऑथेंटिक बुक्स थी जिसको आप पढ़ते थे, कुछ अपने दर्शकों को बताएं। भाई मैंने सबसे पहले इसमें 2 पेपर होते हैं लेक्चर भर्ती में, प्रथम पेपर होता है उसमें 7 विषय आते, अलग अलग विषय के क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें 15 प्रश्न आते स्कूल मैनेजमेंट, तो मैं एक राठ पब्लिकेशन किताब आती है वो एक ही लाया, जो मेरे मित्र को मैंने फोन किया था उन्होंने मुझे बताया कि एक ही किताब आती है राठ पब्लिकेशन। हाँ, राठ पब्लिकेशन स्कूल मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन कवर कर लेती, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आता नहीं। अच्छा, सही ढंग से पढ़ा जाए तो ठीक है। और उसके बाद में 15 क्वेश्चन इतिहास के आते हैं, तो जो 15 क्वेश्चन वो आर्य कॉम्पिटिशन नंबर बुक है उसको मैंने पढ़ा था, उसमें एक भी
क्यों सब बाहर नहीं आया, आर्य कंपटीशन से बाहर, आर्य कंपटीशन, राठ पब्लिकेशन, आर्य कंपटीशन, आर्य कंपटीशन, ये उसके बाद है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंदर एम लक्ष्मीकांत मेरे बड़ी पढ़ती थी, क्योंकि हमारे पर्सन साथ ही आते, तब मैंने सिखवाल पढ़ा और मेरे साथ के साथ क्वेश्चन सिखवाल से अंदर आ गए। अच्छा, फिर आते हैं पांच क्वेश्चन राजस्थान भूगोल की, तो मैंने राजस्थान भूगोल का हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़ी और उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं था। चलो एक क्वेश्चन मेरे इसलिए गलत हो गया था क्योंकि मैंने पढ़ने में भूल की, बाकी किताब से बाहर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, अंग्रेजी तो हम क्या है कि बाड़मेर वाले हैं तो पहले हालत में चलती है, इसलिए अंग्रेजी क्वेश्चन मैंने कोई अटेंड किया नहीं, उसके लिए मैं किताब लाया। अच्छा, और ना ही मैं दर्शकों को ये कहना था, तो मैंने इंग्लिश पढ़ी, मुझे आती नहीं, इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी। फिर रही गणित, तो गणित पर भी मेरे मित्र के पास मैं गया था, लेकिन परीक्षा असमंजस की स्थिति होने के कारण मैं गणित भूल गया, इसलिए गणित क्वेश्चन मैंने अटेंड किए नहीं, नहीं कोई उसके लिए कोई बुक लाया। एक सर थे उनके पास में पढ़ने के लिए, दो चार दिन गया था, लेकिन परीक्षा असमंजस में मैं गणित पढ़ी नहीं मैंने। तो ये गणेश जी, एक सवाल ये आता है कि जब आप एग्जाम फाइट कर रहे होते हैं तब कुछ ऐसे सवाल आते हैं और उसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो कंपिटेटर होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस समय में उस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, वो सवाल कर देना चाहिए या उसको नहीं। जैसे अपन ने प्रश्न पढ़ा कि कौन सा प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है, नहीं रहा। अब पहले तो अपने नहीं नहीं पढ़ा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न तो पहले नहीं, अब अपन क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको दो मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। जब आप दूसरी बार पुनरावृत्ति करोगे तो वो अचेतन मन होता है अपना, उसमें वो चेतन होकर फिर उसका उत्तर आ जाएगा अपना। अच्छा, इसलिए एकदम उसके ऊपर अटेंड उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अब सर, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी परिस्थितियाँ थी, आप कह रहे हैं बहुत गरीब परिवार से थे और उसके बावजूद आपने पढ़ाई जारी रखी और हालात भी विपरीत थे, तो परिवार को कैसे मैनेज कैसे किया आपने? देखो, परिवार के साथ ऐसा था कि 2008 के बाद मेरे जो बड़े भाई है वो तो बेचारे अलग हो गए। उन्होंने, मेरे माता पिता तो वृद्ध थे लेकिन भाइयों ने मेरे से कुछ मांगा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। भाई खुद संबंध थे, अपना खुद का काम करते। अब मेरे सामने दो ही काम थे, पटाई करना और मेरा खर्चा चलाना और माता पिता का खर्चा चलाना। तो मैं माता पिता को खर्चा चला लेता था आराम से। पहले तो मजदूरी करके मैंने बीएड कर ली, कम पेपर 3 साल मजदूरी किया, मेरी बीएड आराम से हो गई, कोई उसमें अपने प्रॉब्लम हुई नहीं। और उसके बाद जैसे कंपटीशन युग में मैं आया तो मैं कंपटीशन तैयारी करने लगा, तो मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगा, इससे मेरा खर्चा जो खर्चा था वो गुजारा मेरा चलने लग गया और आवश्यकताओं को मैंने सीमित कर दिया। महान व्यक्ति वही है जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है। अब मैं साइकिल पर आता था, कई कहते आप यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा मोटरसाइकिल ले लो, नहीं, मेरा लक्ष्य ये था कि अगर 2018 में मैं असफल हो गया, 11 बार 13 बार असफल हो जाऊं, तो मैं आगे इतने मेरे पास पैसे मैंने इकट्ठे करके रखे बैंक के अंदर कि मैं जयपुर जाकर और तैयारी कर सकूं। मैंने कोचिंग का सारा मैं आखिर में लेता अगर असफल होता इस 2018 में। अच्छा, तो मैं किसी से कर्जा लेकर के कोचिंग कर। एक सवाल और आया है, हमारे किसी साथी ने भेजा है कि अगर बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार में असफल हो जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि अब हम सफल नहीं होंगे, अब हम छोड़ के दूसरा कुछ कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? उन बच्चों के मन में विचार ही आ जाता है असफल हो गए, असफल का पता नहीं लगाया उन्होंने, असफल हम क्यों होंगे, इसलिए उसका पता लगाना चाहिए। और उसके बाद में जो सफल हुआ है ना उसी भर्ती में, जैसे मेरे साथ, उसके पास बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए कि मैं असफल हुआ, आप सफल कैसे हुआ। जैसे 2015 में असफल हुआ, उस समय मेरी बहुत भयंकर तैयारी थी और कोई भी क्वेश्चन मुझे इतिहास में पूछ रहा मैं उसको 5 मिनट में बता लेता, लेकिन उससे आगे मैं उस भर्ती में असफल रहा। उसका कारण क्या था कि जो पर्सन मुझे नहीं आते वो मैटर की एक में नेगेटिव चला गया और दूसरा मैंने ऑथेंटिक बुकें पढ़ी नहीं। फिर मैं दर्शकों के पास जो सिलेक्शन हुए थे ना उनके पास जाकर बैठा, उन्होंने कहा हमने ये किताब पढ़ी, तो मैं वो ओरिजिनल किताब लेके आया और मेरे पास अभी वही पढ़ी, एक किताब पढ़ी मैंने बस, उसके बाद मैं हजारों किताब लाया नहीं, एक किताब। देखिए, अब इन दिनों जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं वो किताबों के साथ साथ सोशल मीडिया जैसे YouTube पर वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेज यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं असरदार है, क्या लगता है आपको? सोशल मीडिया में सर ऐसा है जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, अब स्कूल मैनेजमेंट में सोशल मीडिया पर अपन देखेंगे तो इससे अपने को नेट पर सर्च करना चाहिए, क्योंकि इसके तत्कालीन जो आंकड़े वो बदलते रहते हैं, तो वही अपने को लाना चाहिए। इतिहास को अगर अपन पढ़ेंगे ना सोशल मीडिया पर या कोई यूट्यूब लेंगे तो 2-4 लाइन पूरी होगी इतिहास को, जिस तरह किताब से मैं ही पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई इतिहास, राजनीति विज्ञान ये सोशल मीडिया पर कभी नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, अब आगे क्या सर, आगे क्या करने वाले हैं? आगे मेरे ये है कि मैं कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ और कॉलेज प्रोफेसर मेरे नेट एकदम क्लियर है और बाकी गुड एकेडमी रिकॉर्ड मेरे पहले भी पूरा था
और मुझे ये थोड़ा असमझ होता था कि भाई मेरे मार्कशीट बकरी ने खा ली थी, मैंने आपको पहले बात की थी, थोड़ा मेरे वो दसवीं वाला लफड़ा चल रहा, लेकिन अभी मेरी सरकार ने मेहरबानी कर ली है कि कोई किधर उनको बल्कि वो पासिंग मार्किंग माना गया है, तो ईश्वर जब साथ देता है तो भले ही कुछ भी हो, लेकिन अपने वो मतलब जो परिस्थिति वो प्रतिकूल हो गई। सर एक बार जो आपने फर्स्ट ग्रेड जो मुकाम हासिल किया है उसमें जो आपने बुक्स पढ़ी है एक बार वो अपने दर्शकों को बुक्स के नाम देखो, मैंने जो बुक पढ़ी है वो इतिहास की, जो वैसे मैं इतिहास का हूँ तो आपको मैं इतिहास की रणनीति बता लेता हूँ कौन कौन सी किताबें पढ़ी इतिहास के। हम जो पार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें मैं गया था, एक जो कोचिंग वाला आया था स्टूडेंट उसके पास गया था, और जो हमारे बाड़मेर गणपत सिंह रहते हैं ये बहुत अच्छे जानकार थे, तो इतिहास में इनकी भी 13वीं रैंक लगी थी पहले और राजस्थान में, तो मैं इनसे प्रभावित था, उन्होंने किताब लिखाई, उन्होंने केसी अच्छी आती, मैं केसी यानी केसी श्रीवास्तव किताब लाया और मैंने उसको आराम से पढ़ा। फिर हुआ मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं आठ किताबें लाया, उसमें मैंने एक किताब सेलेक्ट की और उस किताब का नाम था एस के पांडे की मैंने अच्छी तरह से पढ़ी। उसके बाद मैंने आठों किताबों को रख दिया कि एक किताब रखी, अंतिम लक्ष्य तक एक किताब। फिर आया आधुनिक भारत, एक बच्चों ने मुझे भेंट कर दी थी स्पेक्ट्रम, मैं आसानी से स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी स्पेक्ट्रम और उसके बाद में जो आया विश्व का इतिहास, तो विश्व का इतिहास का जैन और माथु का बहुत बड़ा पोता आता है, मैंने कहा इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसको पढ़ सकूं, क्योंकि परिस्थिति ये होगी परीक्षा समय पर हुई नहीं, मेरे को प्राइवेट स्कूल में वापिस जाना पड़ा। तब मैंने वो छोटी वाली केवल अरविंद जी भास्कर की किताब पढ़ी विश्व का इतिहास, और शिक्षा मनोविज्ञान के हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने ज्यादातर कोई किताब में लाया नहीं, दिशा लाया था 2015 में उसी को वापिस पढ़ा, और जो पुराने पेपर आते उनको मैंने हल किया और उससे भी मेरा अच्छी तरह से गुजारा हो गया। जो मेरे को नहीं आया उनको मैंने छोड़ दिया, जो मेरे को नहीं आते वो दूसरे को नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उसका संग्रह जारी रखा। और कई आपने पूछा जैसे कठिन परिस्थितियां, आपने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने झणकार पढ़ी थी जो सत्री युग संघ के तरण सिंह जी है, और उस किताब को पढ़ने के बाद कोई हार नहीं मानता है, क्योंकि उस किताब के अंदर ऐसी लाइन रही है कि जब आप कठिन समय में कोई कार्य करोगे तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं। तब मैंने उस किताब की जो पंक्ति है मैं अंतिम में दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो अभी जो ठीक है। तो ये गणेशाराम जी थे, और जितने भी इन्होंने पूरी विस्तृत से अपनी तैयारी के बारे में जानकारी दी है पिछले काफ़ी समय से हमारे पास पूरे प्रदेश से और यहाँ तक कि राजस्थान के हर कोने से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, तो ये हमने जानने की कोशिश की। अब आखिर में मैं गणेशाराम जी आपसे अपील करना चाहूँगा कि आपके जो मोबाइल नंबर है वो अगर आप देना चाहें अपने दर्शकों को दे दें। हाँ, मेरे मोबाइल नंबर है 9166072696। एक बार और बोल देता हूँ 9166072696। तो शुक्रिया साथियों, ये गणेशाराम जी थे, और जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जो जुड़ें और उन तक ये खबर पहुँचे, उन युवाओं तक ये पूरी जानकारी पहुँचनी आवश्यक है कि किस प्रकार से ये तैयारी करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी के साथ साथ अपना हौसला नहीं आ रहे, वो कैसे इन्होंने किया ये पूरी इन्होंने चीज़ बताई, तो सभी साथी एक बार शेयर जरूर कर दें। दो चार लाइन में क्षत्रिय युग संघ के बारे में भी आपको कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी है कि आप जब कठिन परिस्थिति में होती कोई साथ नहीं, के हर कठिनाई हर ठोकर पर मेरे दिल तू हंसता जा, मस्ती में तू बढ़ता जा, कठिन समय में साथ न देंगे अपने कहने वाले, तुझे मिलेंगे हर पल पर ये नफरत करने वाले, इन बेचारों की मस्ती पर अपनी लगन लगाता जा, दिल मेरे मुस्काता जा, हर कठिनाई हर ठोकर पर मेरे दिल तू हंसता जा, मस्ती में तू बढ़ता जा, साथी रूठे भगवान रूठे रूठे बेबस आएंगे, दरिया दली जो रूठ गई है फिर न वापिस आएगी, तकदीरों ने संतरज तेली उनके कदम मिटाता जा, चोटी पकड़ हिलाता जा। मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप कठिन समय में कोई साथ नहीं देगा, आप मेरे साथ पूरे मीडिया वाले खड़े हैं, पहले कोई आता, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करो तो सब आपके साथ होंगे, इसलिए आप अच्छी मेहनत करो, कठिन परिस्थिति नहीं है वो अपन खुद बनाती है, जैसा अपना अनुकूल आते है वैसा ही अपना वातावरण बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी आपका, और आप हमारे दर्शकों को ये सारी चीजें बताई, उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों को इनकी जो सारी बातें थी वो समझ में आ गई होगी, और अभी जितने भी लोग एक बार देख रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।